हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर और बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी लेक्चर नंबर 4, दैट इज क्वांटम नंबर की, राइट? तो क्वांटम नंबर में हमने फर्स्ट जो क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, राइट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ना, इसका इसके जो है ना, इसके थ्री नेम्स हैं। थ्री नेम्स क्या है, और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी इसके नेम से ही आया था। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसे हम कहते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एंड थर्ड इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, अब रीजन क्या था कि इसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं? ठीक है, रीजन ये है क्योंकि हम, ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जबकि हमने जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में, कि जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम था दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो वो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है और ये क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो इस पॉइंट को है ना स्टार लगा लो, आप दो तीन स्टार लगा लो, ठीक है, यहाँ पर। तो ये डिफरेंस है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, राइट? तो आपके पास यहाँ पर, तो स्टार्ट करते हैं कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमें बताएगा सब शेल्स के बारे में, राइट? इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है, जैसे हमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें शेल के बारे में बताता है, ये हमें सब शेल के बारे में बताता है। ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, राइट? उसके बाद अब देखो, जो सब शेल्स है ना, उसके नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है इनकी, डेजिग्नेशंस आर SPDF। ठीक है, सब शेल्स SPDF G। ठीक है, उसके बाद H भी होती है ना, बट H हम यहाँ पर नहीं लिख रहे क्योंकि अभी तक कोई भी एलिमेंट ऐसा डिस्कवर्ड नहीं है जिसके अंदर G सबशेल क्या होती हो, फिल होती हो, राइट? उसके बाद है हेयर द वैल्यू ऑफ L, फॉर S L इज 0, P के लिए 1, D के लिए 2, फॉर F इट इज 3 एंड फॉर G इट इज 4, राइट? तो ये वैल्यूज आपके पास फिक्स होती है कि हमेशा एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, एंड अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो फॉर एच इट इज 5, राइट? ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, ये देखना कि हमारी जैसे कि फर्स्ट शेल है, क्या है, फर्स्ट शेल है। ठीक है, फर्स्ट शेल के अंदर कितनी सब शेल है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप जैसे सेक्टर होता है, सेक्टर के अंदर तो चार ब्लॉक होते हैं ABCD, है ना, बट यहाँ पर आपके पास शेल के अंदर जरूरी नहीं है कि आपके पास 4 ब्लॉक्स हो। ठीक है, आपके पास क्या हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कितने भी ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो शेल है उसके अंदर कितनी सब शेल है, हमें पहले ये देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट शेल के लिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, द वैल्यू ऑफ एन इज गिवन बाय ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एल इज गिवन बाय L is given by L is equal to 0 to n minus 1, right? सबसे पहले बात करते हैं फॉर फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा,
एन इज इक्वल टू वन, तो देखो एल की कितनी वैल्यूज होंगी यहाँ पर, 0 to 0 -1, तो 0 to -, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, एन की वैल्यू 1, 0 to 0, तो 0 to 0 क्या होता है भाई, 0 ही होता है, ओनली वन वैल्यू एग्जिस्ट हियर, है ना, तो इसका मतलब क्या है, ओनली वन सबशेल विल एग्जिस्ट हियर, एंड वट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द सबशेल हेयर, दैट विल बी 1s, ठीक है, बिकॉज हेयर एन इज 1 एंड 4 एल इज इक्वल टू 0, ठीक है, एस सबशेल विल एग्जिस्ट हेयर, ठीक है, दैट्स वाई डेजिग्नेशन ऑफ सबशेल विल बी 1s, राइट। नेक्स्ट फॉर सेकेंड शेल, फॉर सेकेंड शेल, ठीक है, तो हमारे पास जो सेकेंड शेल के लिए क्या होगा, फॉर सेकेंड शेल द वैल्यू ऑफ एन इज टू, द वैल्यू ऑफ एन इज टू, अगर एन की वैल्यू हमारे पास 2 है तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 to n-1 मीन्स 0 to 2-1, तो 0 to 1 हो गया, ठीक है, तो 0 to 1 का मतलब है 0 and 1, ठीक है, 0 किसके लिए होता है, 0 होता है एस सबशेल के लिए और 1 होता है पी सबशेल के लिए, राइट, ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड शेल में कितनी सबशेल एग्जिस्ट करेंगी, 2s and 2p, ठीक है, यहाँ पर 2 सबशेल एग्जिस्ट करेंगी, 2s and 2p। उसके बाद है जी फोर थर्ड शेल, फोर थर्ड शेल, ठीक है, अब देखो यहाँ पर थर्ड शेल के लिए यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, 3 है, एल की वैल्यू क्या होगी, 0 to n-1, 0 to 2, 0 to 2, तो 0 to 2 में क्या होगा, 0, 1 and 2, 0 होगा एस सब शेल के लिए, 1 होगा पी सब शेल के लिए और 2 होगा डी सब शेल के लिए, तो कौन कौन सी सब शेल एग्जिस्ट करेंगी, 3s, 3p and 3d, राइट, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखो अगर आप एक चीज यहाँ पर एनालाइज कर रहे हो, फर्स्ट शेल में एक सब शेल थी, सेकेंड शेल में 2 सब शेल थी, थर्ड शेल में 3 सब शेल, है ना, तो ऐसे ही फोर्थ शेल के लिए यहाँ पर कितनी सब शेल्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, 4, राइट, तो देखो n इज इक्वल टू 4 के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to 4-1 मीन्स 0 to 3, हाउ मेनी वैल्यूज विल एग्जिस्ट हेयर, 4 वैल्यूज विल एग्जिस्ट हेयर, ठीक है, 4 वैल्यूज, इट मीन्स इन फोर्थ शेल 4 सब शेल्स आर प्रेजेंट, एंड विच वन, 4s, 4p, 4d एंड 4f, राइट, तो ऐसे ही सिमिलरली फिफ्थ शेल में 5, ठीक है, 5 सब शेल एग्जिस्ट करेंगी, फोर फिफ्थ शेल 5 सब शेल्स एग्जिस्ट एंड विच वन, 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g, राइट, ठीक है, तो ये सब शेल्स हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी, तो हम एक जनरल यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो जनरल फॉर्मूला हमने क्या लिखा यहाँ पर, सिंपल, द नंबर ऑफ सब शेल्स फॉर अ गिवन शेल, फॉर अ गिवन शेल इज गिवन बाय शेल इज इक्वल टू एन, ठीक है, मतलब जितनी एन की वैल्यू होगी उसमें उतनी ही सब शेल्स क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, राइट। अब देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा जी यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब शेल्स आर नॉट अलाउड, विच ऑफ द फॉलोइंग सब शेल्स आर नॉट अलाउड, तो देखो इसमें से कौन सी अलाउड नहीं है आपको ये बताना है, अब मैं इसको ना ऐसे एक साथ ही लिख देती हूँ सो देट हमें थोड़ा कम टाइम लगे, तो हमारे पास जैसे फर्स्ट है 2s, सेकेंड ये 3p दे दिया जी, ये 3d दे दिया, ये आपको 2d दे दिया, तो देखो 2s, 2s एग्जिस्ट करती है, यस, ठीक है, आप इसको ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट देख सकते हो कि एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, मतलब ये सेकेंड शेल की बात हो रही है, तो सेकेंड शेल में कौन कौन सी सब शेल एग्जिस्ट करती है, 2, 2s and 2p, है ना, तो 2s एग्जिस्ट करती है ना, तो यस दिस इज अलाउड। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसको अलाउड लिख दो,
अलाउड के लिए ए लिखूंगी और नॉट अलाउड के लिए एन ए, राइट। अब देखो 3p, 3p थर्ड शेल, थर्ड शेल में कौन सी सब शेल्स एग्जिस्ट करती है, 3s, 3p एंड 3d, इट मीन्स 3p विल एग्जिस्ट, इट मीन्स इट इज अलाउड। एंड 3d, 3d ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। 2d, अब देखो 2d के लिए n की वैल्यू क्या है, 2, ओनली 2s एंड 2p विल एग्जिस्ट, 2d विल नॉट एग्जिस्ट, तो देयर फॉर 2d इज नॉट अलाउड हियर, ठीक है। ऐसे ही आपके पास बाकी भी, अगर हम लिखें जैसे कि 4f लिख दिया मैंने, उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा 5d, नेक्स्ट इज 4g, नेक्स्ट इज, ठीक है, 3f, ये लिखा। अब देखो 4f, 4f एग्जिस्ट करेगा, देखो फोर्थ शेल में चार सब शेल एग्जिस्ट करेगी, कौन कौन सी, 4s, 4p, 4d, 4f, तो मतलब 4f आ रही है ना भाई, तो ये क्या होगी, अलाउड होगी। अब नेक्स्ट में देखो n इज इक्वल टू 5, तो 5s, 5p, 5d, 5f, 5g ये सारी एग्जिस्ट कर सकती है, तो 5d तो एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या होगी, अलाउड। अब फोर्थ के लिए देखो, फोर्थ के लिए क्या g आया था, नहीं आया ना, तो ओनली 4f तक आया था, तो दिस इज नॉट अलाउड। उसके बाद थर्ड शेल के लिए देखो, थर्ड शेल के लिए सब शेल 3s, 3p, 3d है ना, तो क्या 3f एग्जिस्ट करेगा, नो, ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट अलाउड, राइट। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं जी, सब शेल देखते हैं कि किसी भी एक शेल में कितनी सब शेल्स प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो आता है कि ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएगा, क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर पहले से लिख लेते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन में 2π, राइट। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एच अपॉन 2π को आप एच कट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ एच कट, बिकॉज एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन में 2π, राइट। तो दिस इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब है ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट करते हैं और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर गिवन ऑर्बिटल्स, ठीक है, फॉर गिवन ऑर्बिटल्स। तो वो क्या होंगे हमारे पास, देखो ध्यान से, जैसे कि पहले आपसे पूछ लिया 1s के लिए, फिर सेकंड में आपको दे दिया 2p दे दिया, और फिर थर्ड आपको 3d दे दिया। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था जी हमारे पास एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2π, आपको जस्ट n की वैल्यू से मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस साइड सेकेंड कॉलम में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, राइट। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन में 2π, राइट। ये अब देखो 1s के लिए, फॉर 1s, 1s सबशेल के लिए जो हमारे पास l की वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पर n क्या है 1 एंड l क्या है जी 0, तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 इंटू एच अपॉन में 2π, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एच अपॉन में 2π। यहाँ पर l की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 इंटू 0 प्लस में 0 इंटू 0 प्लस में 1 इंटू एच अपॉन में 2π, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा।
उसके बाद है जी 2p सबशेल के लिए, 2p सबशेल के लिए n की वैल्यू क्या है 2, l की वैल्यू क्या है हमारे पास, l की वैल्यू है जी 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2h अपॉन में 2y, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा h अपॉन में y, ठीक है। स्क्वेयर रूट ऑफ यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू h अपॉन में 2y, दैट इज गिवन बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इंटू h अपॉन में 2y, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा h अपॉन में रूट 2y, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऐसे ही 3D सबशेल के लिए देखो, n की वैल्यू क्या है 3 है एंड l की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो n की वैल्यू 3, तो यहाँ पर लिखोगे 3h अपॉन में 2y, ठीक है, 3h अपॉन में 2y। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में l की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू एच अपॉन में 2y, तो क्या आ गया स्क्वेयर रूट ऑफ 6 इंटू एच अपॉन में 2y आंसर आ गया, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास, तो ये क्या हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो नेक्स्ट में हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज एम, और इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं समटाइम एम एल से, ठीक है। एम एल से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज एल की वैल्यू से ही हमें क्या पता चलती है, एम की वैल्यू पता चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल्स, इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ गिवन शेल, इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सब शेल, ठीक है, कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं ये हमें उसके बारे में बताता है, राइट, ठीक है। अब देखो हमारे पास वैल्यूज कैसे हमें पता चलेंगी, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। तो लिखो द वैल्यू ऑफ एम, द वैल्यू ऑफ एम इज गिवन बाय, द वैल्यू ऑफ एम इज गिवन बाय एम इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है, माइनस एल टू प्लस एल। अब देखो हमने ना जैसे यहाँ पर लिखा 4s सबशेल, 4s सबशेल, s सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या है 0 होती है, तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेंगी, माइनस 0 से प्लस 0, तो माइनस 0 से प्लस 0 तो कुछ होता नहीं, ओनली 0 है ना, ओनली वन वैल्यू विल एग्जिस्ट हियर, है ना। अगर एक वैल्यू यहाँ पर है तो इट मीन्स यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हैं जी, यहाँ पर ओनली वन ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद 4p सबशेल, p सबशेल के लिए l की वैल्यू 1, 4p सबशेल द वैल्यू ऑफ l इज 1, देन वैल्यू ऑफ m इज माइनस 1 टू प्लस 1, ठीक है, तो माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पर हमारे पास हैं 3 वैल्यूज। इट मीन्स इन p सब शेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल एग्जिस्ट, 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, कि अगर p की कोई सब शेल होगी तो वहां पर आप कितने ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे 3, ठीक है। यहाँ पर s के लिए ओनली वन ऑर्बिटल, ठीक है, आप ऑर्बिटल्स को आप बॉक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और सर्कल से भी। ऐसे ही 4d सबशेल के लिए हम देखेंगे जी, 4d सबशेल, 4d सबशेल l इज इक्वल टू 2,
एम इज इक्वल टू माइनस टू टू प्लस टू, तो माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन एंड प्लस टू, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं जी, यहाँ पर हमारे पास हैं 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पर हैं, ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास अगर यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5, तो यहाँ पर डी कोई भी सबशेल हो वहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स आप रिप्रेजेंट करोगे, 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे हमें 3D लिखना है तो 3D में ये 5 ऑर्बिटल हमें बनाने पड़ेंगे जी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली फॉर एफ सबशेल द वैल्यू ऑफ एल इज 3, ठीक है। एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तो एम की वैल्यू -3 टू +3, ठीक है। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज है यहाँ पर एम की, 7 वैल्यूज हैं, तो क्या एग्जिस्ट करेंगे, 7 ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स। तो एफ में हमारे पास क्या होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर एफ कोई भी लिखो, जैसे 4F लिखो, 5F लिखो, तो वहां पर ऑर्बिटल्स कितने होंगे जी, 7 ऑर्बिटल्स होंगे, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या पता चला कि किसी एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय इन अ सबशेल इज गिवन बाय 2L+1, ठीक है। देखो अगर हम s के लिए, l की वैल्यू 0 है ना, जैसे कि फॉर s सबशेल, इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। s सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या है जी, 0, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके पास आ जाएंगे 2 × L+1 था ना, 2L+1, तो 2 × 0+1, तो आंसर कम 1। एंड फॉर p सबशेल द वैल्यू ऑफ l इज 1 एंड देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कम्स आउट टू बी 3, है ना। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ l इज 1 हियर देन द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3, है ना। ऐसे ही सिमिलरली फॉर d सबशेल एंड सिमिलरली फॉर f सबशेल, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट हियर, दैट इज 5, एंड फॉर f सबशेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट दैट इज 7, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएंगे जी, ठीक है, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद, ठीक है, कई बार है ना क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछता है, आपको ऑर्बिटल्स ना लिख करके आपको ओरिएंटेशन लिख के दे देता है, ठीक है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना और करके लिख लेना यहाँ पर ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का मतलब भी यही है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वांटम नंबर है जी, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से और एम एस से, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो कुछ नहीं है, देखो स्पिन क्वांटम नंबर ओनली हमें ये बताता है कि जैसे ना हम ये बोलते हैं कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना, इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अपनी भी तो स्पिन होती है, तो ये अपनी एक्सिस के अराउंड भी तो स्पिन करता है ना, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में भी, अपनी स्पिन के अराउंड। तो इसलिए उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो एस की वैल्यू +1/2 मान लो,
और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है अपनी एक्सिस के अराउंड, तो इसकी वैल्यू को क्या मान लो, माइनस हाफ। ठीक है, तो ऐसे की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दैट इज प्लस माइनस हाफ। ठीक है, इसके अलावा एस की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ जी, स्पिन क्वांटम नंबर। राइट, अब ये तो हो गए हमारे पास 1 by 1 फोर क्वांटम नंबर्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है इसमें which of the following set of quantum number exist। ठीक है, इसमें से कौन सा जो सेट है क्वांटम नंबर का वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपको ए दे दिया n = 1, n = 4, l = 3, उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर l, ठीक है, l = 3, m = +2 एंड s = -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना आप सबसे पहले तो ना s को ही देख लिया करो, क्योंकि s की सिर्फ टू वैल्यूज अलाउड होती है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अगर s -1, प्लस हाफ और माइनस हाफ के अलावा कुछ भी है तो आप पहले ही बिना देखे आंसर लिख दो नो। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, डायरेक्ट नो। आपको n l m को चेक करने की भी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड जैसे मैंने लिखा n = 3, l = 1, m = +-1, सॉरी, एंड s = +1/2। तो हम क्या देखते हैं कि n = 3 के लिए क्या l1 एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा जी। देखो क्योंकि n की वैल्यू 3 के लिए, आपके पास l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to n-1, मीन्स 0 से 2 वाली वैल्यू सारी अलाउड होंगी। 0 भी अलाउड होगा, 1 भी अलाउड होगा, 2 भी अलाउड होगा। मीन्स अगर n 3 है तो इससे एक कम, 1 नंबर लेस, इससे क्या होगा, 2 होगा। तो 2 तक सारी वैल्यूज अलाउड होंगी। तो मीन्स यहाँ पे तो l1 है, इट मीन्स फॉर n = 3, l = 1 इज अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमें देखना है जी l = 1 के लिए m + -1 अलाउड है या नहीं है। ठीक है, तो देखो m की वैल्यू क्या होती है, -l2+l। तो देखो -l2+l, यहाँ पे l1 है, तो मीन्स -1 से +1 वाली m की सारी वैल्यूज क्या होंगी, अलाउड होंगी। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अलाउड एंड s की वैल्यू प्लस हाफ है, ये भी अलाउड है। तो इट मीन्स दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज अलाउड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज अलाउड हियर। And next is n = 5, l = 4, m = 5 and s = +-1/2। अब देखो n = 5 के लिए l की वैल्यू 4 एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है। मैंने आपको ये कहा कि एक वैल्यू कम तक एग्जिस्ट करेगी, तो n 5 है तो l की वैल्यू 4 तक हो सकती है, 4 तक हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा सिर्फ 4 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 and 4। उसके बाद l = 4 के लिए m 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पर सिर्फ m हो सकता है -4 to +4। ठीक है, तो m 5 नहीं हो सकता जी, ये तो हो सकता है। अगर यहाँ पर ये ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो बस आपको आगे फर्दर चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। तो इट मीन्स दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, n = 4, l = 4, m = 4 एंड s = +-1/2। अब देखो n की वैल्यू 4 के लिए l की वैल्यू 4 एग्जिस्ट करेगी, तो आंसर होगा नो, क्योंकि n की वैल्यू 4 के लिए l की वैल्यू आपकी 3 तक एग्जिस्ट करेगी, 0, 1, 2 and 3, 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहीं पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी, नॉट अलाउड। राइट,
तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वांटम नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पर है ना बाकी जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि जो हम ये बोलते हैं ना कि फर्स्ट शेल में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास ठीक है थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जी, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उसकी वेरिफिकेशन करा रही हूँ मैं आपको उसमें। ठीक है, तो अगर मेरे पास है फर्स्ट शेल, कौन सी सब शेल एग्जिस्ट करती है, 1s, ओनली 1s है ना। तो 1s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 है ना, ये 1s है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ गए जी इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड शेल की। सेकेंड शेल के अंदर दो सब शेल एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन सी, 2s एंड 2p। 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में 3 ऑर्बिटल हैं जी, है ना। अब 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आपसे पूछे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, अगर पूछे 2p में कितने आएंगे, 6, पर अगर आपसे पूछे कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देन आंसर विल बी 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगेन वेरीफाई हो गया कि सेकंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास, अगर हमारे पास n की वैल्यू है 3, तो कौन कौन सी सब शेल एग्जिस्ट करेंगी, 3s, 3p एंड 3d। 3s में एक ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल और 3d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 3p में कितने आ सकते हैं जी, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 3d, 3d में आपके पास मैक्सिमम आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअली आपसे पूछा जाए तब भी आप बता सकते हो, और अगर आपसे कंप्लीट ऑल ओवर थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो आप बता सकते हो आंसर क्या होगा, हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आंसर होगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ से हमने वेरीफाई कर लिया कि जो हम ये है ना 9th 10th में हम ये फॉर्मूला भी पढ़ते थे जस्ट, पर हमने अब यहाँ पर आकर क्या पढ़ लिया, इसका प्रूफ पढ़ लिया कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2, सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8, एंड थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी, 18। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स। बाकी जो फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड लास्ट में फिर हम लिखेंगे रूल्स टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।